नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गायत्री और ये है आपका नटखट विनायक। आज हमारे चंडीगढ़ में सेकंड डे है। आज विनायक हमारे साथ मूवी देखने के लिए जा रहे हैं। देखेंगे मुझे बता रहे कश्मीर वाली नहीं छोटी वाली छोटी भी देखने जा रहे हैं। हाँ छोटू भी जा रहे हैं। हाँ, या शिवा देखेंगे। शिवा कौन सा मूवी? शिवा नाम है मेरा। बच्चों को तो पता नहीं है कि हम कौन सी मूवी देखने के लिए जा रहे हैं, तो मैं जब पूछी कि हम कौन सी मूवी देखने के लिए जा रहे हैं तो वो अपने जो जो वीडियो देखते हैं वही बता दिए। ड्रेस देने के लिए अब नहीं दी, मैं क्या पहनती? पुरानी वाली पहन के आ गई। मुझे कब दिलवाओगे? अब दिलवाओ मत। नहीं, मुझे पीहू कब दिलवाएंगे नया ड्रेस? अभी मैंने पैसा ही नहीं लिया है। पैसा नहीं लाए तो फिर मैं पुराना वाला पहनूंगी। अभी देना, बहुत पैसे कमाऊंगा तभी बड़े होऊंगा, तभी आपको मैं ले आऊंगा। अच्छा, तब मेरे लिए अरे आज पहनने के लिए तो है नहीं, पुराना होगा। हां पुराना मैं नहीं लाऊंगी। कब लाओगे? मंडे को लाऊंगी। अच्छा, तो मैं चली जाऊंगी। देखो मेरे खाली नहीं है, तब से खा ही रही हूँ। यहाँ भी ये क्या पार्क हो गया है क्या? अभी हम आके पहुँच गए हैं। अभी हम मॉल के अंदर जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए चारों तरफ कितना अच्छा लग रहा है और कितना नीट एंड क्लीन भी है, बहुत अच्छी लग रही है। अभी देखिए विनायक एस्केलेटर के ऊपर चढ़ने के लिए कैसे डर रहे हैं। मॉल के अंदर तो अभी हम आ चुके हैं, काफी बड़ी मॉल है, लेकिन हमें तो जाना है मूवी थिएटर के पास, तो अभी हम मूवी थिएटर के पास जा रहे हैं। विनायक को चंडीगढ़ बहुत अच्छी लग रही है, विनायक को ही क्यों हमें भी बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ ज़्यादातर खाली खाली मतलब स्पेसेस थोड़ा है। और सबसे बड़ी बात, विनायक के साथ खेलने वाली एक फ्रेंड भी है पीहू, तो इसीलिए उनको ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कश्मीर फाइल की मूवी के बारे में हम टीवी में, न्यूज़ में, यूट्यूब में बहुत देखे हैं, सुने हैं, और चलिए हम आज देख ही लेते हैं कि मूवी कैसी है। और अभी हम आपको थिएटर के अंदर भी लेके जाएंगे और फिर देखने के बाद आपको ज़रूर बताएंगे कि मूवी कैसी है, हमें कैसी लगी, हम ज़रूर आपको बताएंगे। हेलो, इधर। यहाँ पर कुछ गेम खेल रहे हैं, कौन सी गेम है हमें पता नहीं, बट उसके लिए कुछ पैसे दे के गेम खेलते हैं, वैसे ही कुछ है। वो लोग कहाँ गए? अभी हम थिएटर के अंदर आ गए हैं, अभी हम अपने सीट के पास जा रहे हैं। थिएटर में तो लाइट बंद होती है, इसीलिए अंधेरा अंधेरा सा है। बस अभी सीढ़ी चढ़ के जा रहे हैं तो वहीं पे थोड़ी सी लाइट दिख रही है, बाकी चारों तरफ अंधेरा है। अभी हम सब अपने अपने सीट पे बैठ रहे हैं। इसको साइड में मत बिठाओ, आप यहाँ। हाँ, को भी ले जा। अभी पर्दा ऑन हो गया है और सब लोग अपने अपने सीट में आके बैठ रहे हैं, इसीलिए पहले थोड़ा सा एडवर्टाइज दिखाते हैं और दूसरे जो नए मूवी रिलीज हुए हैं उसका ट्रेलर भी दिखाते हैं, क्योंकि उसी बीच जो लोग नहीं आए हैं वो भी आके अपने सीट में बैठ जाते हैं। फिर मूवी स्टार्ट होने से ही सब अपने अपने सीट पे मौजूद होते हैं और मूवी का मज़ा लेते हैं। स्क्रीन पर जो भी पिक्चर प्ले हो रहा है उसका वॉल्यूम हम ऑफ कर दिए हैं,
और मूवी का भी हम वॉल्यूम ऑफ कर देंगे, क्योंकि हम उसका वॉल्यूम अगर देंगे तो हमारे चैनल में कॉपीराइट आ जाएगा। और कॉपीराइट का मतलब ये होता है कि जैसे कि हम आपको सिंपल तरीका से समझाते हैं, जैसे कि हम एग्ज़ाम में किसी दूसरे का कॉपी करके लिखेंगे तो हम डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। ठीक उसी तरह अगर हम किसी दूसरे सीन दिखाएंगे जो कि हम खुद नहीं किए हैं, वो नहीं बनाए हैं, अगर हम उसको अपने चैनल में दिखाएंगे तो हमारा जो चैनल है वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। इसलिए हम किसी दूसरे का औरों का हम नहीं दिखा सकते। हम क्या कोई भी नहीं दिखाता है, जो अपना क्रिएशन है वो ही दिखाते हैं। अगर दिखाएंगे तो वो कॉपीराइट क्लेम आ जाती है। बट हम आपको मूवी के सीन चलने के टाइम उसके बारे में आपको बता देंगे। अभी और एक जो नई मूवी रिलीज हुई है RRR, उसी का ट्रेलर चल रहा है और ट्रेलर से भी लगता है कि ये मूवी भी काफ़ी अच्छी है। फिलहाल अभी हम कश्मीर फाइल देखने वाले हैं, RRR को छोड़ दीजिए। बस अभी थोड़ी देर में ही मूवी स्टार्ट हो जाएगा। विनायक ही मेरे पास ही बैठे हैं, अंधेरे में तो कुछ नहीं दिखेगा, इसलिए मेरे कैमरा स्क्रीन के ऊपर ही है। लो अब स्टार्ट हो गया है मूवी द कश्मीर फाइल। मूवी तो बस नाम की है, बट ये एक रियल घटना है जो कश्मीर में घटी थी, तो हमें वो सच जानना है क्या घटी थी कश्मीर पंडितों के साथ। ये मूवी की स्टार्टिंग सीन है जहाँ पर एक रेडियो में इंडिया और पाकिस्तान की न्यूज सुनाई दे रही है और साइड में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, बैट और बॉल खेल रहे हैं और कुछ और लोग भी मौजूद हैं। रेडियो पर मैच चलने के टाइम जब सचिन तेंदुलकर छक्का मारते हैं तो इन बच्चों में से एक बच्चा बोलता है कि सचिन तेंदुलकर जिंदाबाद या हिंदुस्तान जिंदाबाद। तब क्या होता है, साइड में जो आतंकवादी खड़े होते हैं तो क्यों उसने हिंदुस्तान जिंदाबाद बोला, उस वजह से उसको मारने की कोशिश करते हैं और फिर बच्चे सब भाग के डर के भागते हैं, एक बच्चे को मार भी देते हैं। घटना जिस लड़के के साथ हुआ था वो अभी भी है, वो तब 10 साल के थे और उनका वीडियो भी यूट्यूब पे काफी वायरल हो रहे हैं। यहाँ पर अनुपम खेर जी शिवजी बने हैं, क्योंकि उस टाइम शिवरात्रि चल रही थी तो वो लोग नाटक बना रहे थे इसी वजह से। फिर भी उसी टाइम आतंकवादियों ने हमला कर दिए हैं और हमारे जो शिव जी का फोटो है उसको भी जला दिए हैं। यहाँ पर देखिए कैसे कर रहे हैं, हड़कंप मचा रहे हैं। यहाँ पर मैं कहूँगी कि इस मूवी में जितने भी किरदार हैं सब बहुत अच्छे एक्टिंग किए हैं, लेकिन जो अनुपम खेर जी है वो इतना अच्छा एक्टिंग किए है, मान लो कि इस मूवी की जान डाल दिए हैं वो। यहाँ पर सीन में जो इंसान देख रहा है वो बिट्टा कराटे है, और बिट्टा कराटे कौन है वो आप यूट्यूब में सर्च करके जान सकते हैं। यहाँ पर चावल के डब्बे में कश्मीर पंडित की एक बेटा है जो उस डब्बे के अंदर है, और ये बिट्टा कराटे आतंकवादी उसको गोली से छल्ली कर दिए है, गोली से एकदम मार दिए है, उसी डब्बे के अंदर वो छुपा था और उसको मार दिए है, और उसके ब्लड में जो चावल जो ब्लड मिल गया था उसको उसको बीबी को खाने के लिए दिए। बहुत ही दर्द भरी कहानी है और ये सच्ची कहानी है। यूट्यूब में अगर आप सर्च करोगे ये बिट्टा कराटे के इंटरव्यू तो आपको वो पूरी कहानी आपको सुनने के लिए मिलेगी। मूवी के कुछ कुछ सीन हम आपको दिखा रहे हैं। इस मूवी में ना ही कोई साउंड बैकग्राउंड दिखाई गई है। बाप रे बाप, बहुत ही दर्द भरी कहानी है। आप जरूर आके ये मूवी देखिए, हर हिंदू को देखनी चाहिए और कश्मीर पंडितों को इंसाफ में मिलनी चाहिए। मूवी अभी खत्म हो गई है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साइड में जो बेल आइकन है उसे क्लिक कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।